मेरा तो दंड। चलो अब तुम सब घुटने में बैठ जाओ। बैठो बैठो। चलो अब सर झुकाओ झुकाओ झुकाओ। होते हो हम डुबा डुबाओ के कर नहीं सकती तुम कब्जा हमारे परिलोक पे। डुबा डुबा भाइयों आक्रमण। रुकिए डुबा डुबा एक परियों, इन डूबा डूबाओं को तो मैंने पत्थर का बना दिया और किसी भी काम का नहीं छोड़ा, लेकिन अगर तुम सब अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे नजरों के सामने से दूर चले जाओ। जाओ जाओ। सत्यानी, परिलोक हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रानी परी, रानी परी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए वरना ये दैत्यानी हमें कोई गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब तक गए नहीं तुम लोग? इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम्हें भी पुतला बना दूं, दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। जाओ। लेकिन रानी परी, हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं है। ऐसे में हम परिलोक को छोड़ के कहां जा सकते हैं? पृथ्वी लोग। हाँ परी, हम सब पृथ्वी लोग जाएंगे। वहां जाकर हम बालवीर और दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जल्दी कीजिए परी। चली गई परीलोक से परियां, चली गई मतलब सच्चाई और अच्छाई चली गई। तौबा तौबा। अब मैं आराम से बैठकर यहाँ के कण कण में बुराई भर दूंगी। <laughs>
बच्चों के बीच भौंकने वाली बीमारी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शहर के सारे पार्क को खोल दिया गया है। यहाँ बीमारी से शिकार हुए बच्चे आकर आपस में खेल कूद सकते हैं। ऐसा करने से वो बच्चे किसी हीन भावना के शिकार नहीं होंगे और उनका मन भी बहल जाएगा। स्मिता, मुझे लगता है कि हमें भी मेहर और मानव को पार्क में खेलने को लेके जाना चाहिए। हाँ महेश, कब तक बच्चे घर में रहेंगे? कम से कम पार्क में जाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। मुझे किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना होगा। मां और अपनी शक्ति हासिल करनी होगी और बच्चों को देत्यानी से बचाना होगा। माँ, शुक्रिया कि आप सब यहाँ आ गए। अब आप सब मुझे जल्द से जल्द शून्य लोक की सीमा तक पहुँचा दीजिए। शून्य लोक? मुझे शून्य लोक जाकर अपनी शक्तियाँ जल्द से जल्द हासिल करनी है। बालवीर, बालवीर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में शून्य लोक नहीं जा सकते। अगर आप किसी तरह शून्य लोक चले भी गए तो सफल होकर वापस नहीं लौट पाएंगे बालवीर। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और भी जाएगा। कोई और? हाँ माँ, ब्रूनो। ब्रूनो? ब्रूनो क्या? मानव महल का श्वान ब्रूनो। और परियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। वाह देत्यानी वाह, किया आपने बहुत अच्छा। दिया दफना उस बालवीर को जमीन में। अब वो बाल है? है ये तो मानो और मेहर का श्वान है। क्या कर रहा है यहाँ पर? है लगता मुझे है आया है यहाँ पर माफी मांगने, सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए। लेकिन गया कैसे, पहुंचे यहाँ पर? कोई भेजा तो नहीं परियों ने इसे
हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। रुक जा श्वान, हूं लेता मैं अभी तुम्हारी खबर, देखना आप भी। श्वान चला भागो यहां से, वरना ये महान योद्धा तबाह तबाह कर देगा तुम्हारा बुरा हाल। चला बहुत खुशी। कांपना बंद करो तो बताओ। ये मेरी बुराई से बना हुआ मायावी जानवर है जो किसी भी बुराई को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी सच्चाई और अच्छाई को तकलीफ दिए बिना इसे चैन भी नहीं आता। ज्यादा हंसी मत रानी दैत्यानी, क्योंकि आपका यह सेवक बहुत मुश्किल में फंस गया है। बालवीर आपके ताबूत से बाहर आ चुका है और अब वो मुझे अपने साथ शून्य लोक ले जाना चाहता है ताकि वो मेरी मदद से अपनी खोई हुई शक्तियाँ हासिल कर सके। बहुत ही बुरी खबर। ए मायावी जानवर, चलो ऊ देता मैं तुम्हें आदेश, चलो जाओ छुप जाओ कहीं पर और मत जाओ उस बालवीर के सामने, फिर नहीं ला पाएगा वो अपनी शक्तियां शून्य लोक से किसी भी हालत में। चलो जाओ जाओ। चुप, मुंह से एक भी बात निकाला तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी जुबान मैं बंद कर दूंगी। माना कि बालवीर का ताबूत से बाहर निकलना एक बुरी खबर है, लेकिन उसका इसे अपने साथ शून्य लोक ले जाना मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी खबर है। हाँ, क्योंकि अब मेरा ये सेवक शून्य लोक में बालवीर की तब तक मदद करता रहेगा जब तक वो अपने शक्तियों को पाने के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच जाता। लेकिन ऐन मौके पर वो बालवीर को हरा कर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा और वो शक्तियां मुझे दे देगा। जाओ मेरे सेवक, जाओ जाओ, जाकर उस बालवीर की मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा रानी दैत्यानी। बालवीर, ये वो सीमा है जहां तक हम आप दोनों को लेकर आ सकते थे।
लेकिन रानी परी शून्य लोग तो दिखाई नहीं दे रहा, आखिर शून्य लोग है कहाँ? बालवीर, शून्य लोग को शून्य लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ बालवीर, जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोग के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शून्य लोक में कदम कदम पर आपको नई नई चुनौतियाँ और बाधाओं का सामना करना होगा, और आपको बहुत ही समझदारी से उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। ब्रुनो, मेरे साथ चलने से पहले आखिरी बार सोच लो, हमारा शून्य लोक का सफर आसान नहीं होगा। क्या शून्य लोक में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम तैयार हो? मैंने सोच लिया है बालवीर, इस मुश्किल सफर में मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बालवीर, शून्य लोग जाने से पहले आप अपने साथ ये प्रध्वनि तरंगे उत्पन्न करने वाला यंत्र रख लीजिए। यदि ब्रूनो और आप गलती से भी अलग हो गए तो आप इस यंत्र को बजाइएगा। हाँ बालवीर, हालांकि इससे निकलने वाली प्रध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन ब्रूनो की इंद्रियां इस ध्वनि को दूर से भी सुन लेंगी। लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगे बहुत ही तेज है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। ठीक है परी, आप सबकी कही हुई बातों का मैं ख्याल रखूंगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है। जाने का समय आ गया ब्रूनो, तैयार हो? हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।